तो देखिए, हमारी बिटिया रानी की छठी हो रही है फ्रेंड्स। कल हमने आप लोगों को दिखाया था जब हमारी बिटिया का जन्म हुआ था, हमने आपके साथ पूरा वीडियो शेयर किया था। आज हम छठी प्रोग्राम का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, आज छठी है और हम अपनी गुड़िया रानी को पहना रहे हैं कपड़े, और उसके लिए हम ले गए हैं मलिया पहुँची। तो देखिए, हम सब कुछ एक एक करके अपनी बिटिया को पहनाएंगे। आप सब लोग हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, गुड़िया रानी हमारी सो रही हैं और भैया हमारे बार बार उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पैरों के तलवे सहलाए जा रहे हैं ताकि बिटिया हमारी जगे, लेकिन बिटिया को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और वो सो रही हैं। उनको सोना बहुत अच्छा लगता है। अभी 4-6 दिन ही हुए हैं तो उनको सोना बहुत अच्छा लग रहा है, वो सोती रहती हैं। और हम लोग तीनों बहनें आए हैं अपनी बिटिया के लिए कपड़े लेकर आए हैं, पायल लाए हैं ताकि हमारी बिटिया छम छम करेगी। जब गोदी में खिलाएंगे तो छम 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 की आवाज़ भी आएगी। तो हम बजने वाले पायल लेकर के गए हैं। तो देखिए, बिटिया हमारी उठने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार सोए जा रही हैं। तो सोते सोते हम उनको सब कुछ पहना रहे हैं क्योंकि वो जगेंगी नहीं, और जगने में उनका, अगर हम जगने का इंतज़ार करेंगे तो हमें काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इसलिए हम सोते सोते ही उनको सब कुछ पहनाए दे रहे हैं। तो देखिए, ये हम पायल लेकर गए थे अपनी बिटिया के लिए, बजने वाले हैं पायल, घुंघरू वाले, तो इनको हम पहना देंगे। बिटिया के लिए हाथ के कंगन भी हम ले गए हैं। हमारी बिटिया की 4 बुआ हैं और 3 बुआ की शादी हो चुकी है, तो तीनों बुआ अपनी बिटिया के लिए सब कुछ लेकर के आई हैं। थोड़ा थोड़ा सामान सब लोग लेकर आई हैं। हमारी बिटिया को 3 जोड़ी पायल मिली है, 2 जोड़ी कंगन मिली है, 1 चैन मिली है और बहुत सारा सामान मिला है, कपड़े बहुत सारे मिले हैं। तो इनको झूला भी मिल गया है, बिस्तर मिला है, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, आप सब लोग देखते रहिए। तो बिटिया हमारी सो रही हैं, हमारी दोनों बहनें वेटिंग पर हैं, उनको भी इंतज़ार है कितनी जल्दी हम पहना लें, उसके बाद वो भी अपनी गोदी में लें बिटिया को। आज सब लोग लेने के लिए गोदी बच्चे को उतावली हो रही हैं कि जल्दी से वो सबकी गोदी में जाए, सबकी गोदी में जाए और सबका लाया हुआ सामान पहने। तो सबको बहुत जल्दी हो रही है और जल्दी हमें भी हो रही है, सब लोग अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हम अपनी बिटिया रानी को कंगन भी पहना देंगे और उसके बाद अभी हम बिटिया को ऊपर से एक सूट और पहनाएंगे ताकि हमारी बिटिया बिल्कुल गुड़िया की तरह दिखे। तो अभी हम अपनी गुड़िया को सजाएंगे, बिटिया को सजाएंगे और बिल्कुल डॉल की तरह लगेगी हमारी बिटिया रानी। आप लोग देखते रहिएगा, अभी हम अपनी बिटिया को बहुत ज़्यादा सजाएंगे, काजल भी लगेगा हमारी गुड़िया को। तो देखिए, इनको कितनी नींद आ रही है, ये सोए जा रही हैं, जगने का नाम नहीं ले रही हैं, तो ये सो रही हैं। अब हम इनको दूसरा सूट पहनाएंगे। तो ये देखिए, ये हम दूसरा सूट भी लेकर के आए हैं। तो भैया ने एसी थोड़ा सा बढ़ा दी है और बोले हैं कि इसी के ऊपर दूसरा सूट भी पहना दो ताकि हमारी गुड़िया बहुत दुबली है और डबल सूट पहनेगी तो हमारी गुड़िया थोड़ा सा बड़ी लगेगी, तो इसलिए हम एक के ऊपर दूसरा सूट भी पहना देंगे। ये नीचे वाला सूट बहुत ज़्यादा हल्का है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिटिया आराम से पहन लेंगी। थोड़ी देर की बात है, 1 घंटे की बात है जब तक छठी की पूजा होगी, उसके बाद हम लोग इस सूट को उतार देंगे, ऊपर वाले सूट को उतार देंगे और नीचे वाला बिटिया पहने रहेंगी। तो अभी हम दूसरा सूट ऊपर से डाल देंगे ताकि हमारी गुड़िया देखने में बहुत सुंदर लगे, थोड़ा सा गोदी में पता चले। अभी तो ये बहुत छोटी हैं तो लेने पे पता ही नहीं चलता है। तो ये देखिए, हम इनको दूसरा सूट भी पहना देते हैं।
हमारी छोटी सिस्टर हैं, देखिए ये भी अपना सामान पहना रही हैं। बिटिया के लिए पायल लाई थी, कंगन लाई थी, कपड़े लाई थी, झूला लाई थी, सब कुछ लेकर के आई थी। तो ये देखिए अपनी पायल पहना रही हैं। तो हम लोग पहली पहली बार बुआ बने हैं, तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिटिया को गोदी में लेने के लिए, बिटिया को कपड़े पहनाने के लिए और खूब खिलाने के लिए। लेकिन बिटिया अभी हमारी खिलाने वाली नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। थोड़ा सा बड़ी हो जाए, जल्दी से बड़ी हो जाए, तो हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे भैया के यहाँ और बिटिया को खिलाएंगे, खूब खूब लाड करेंगे। तो देखिए ये हमारी सिस्टर कंगन लेकर आई थी बिटिया के लिए प्यारे से, इसको हम लोग खगौड़ा भी कहते हैं। तो सब ने अपना अपना सामान पहना दिया है, लेकिन बिटिया अभी हमारी सो के नहीं उठी हैं, वो अभी तक सो रही हैं, जग नहीं रही हैं। उनको बहुत जगाने का प्रयास किया जा रहा है, इतना सब कुछ पहनाया उढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनकी आँख नहीं खुल रही है, उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये जब भूखी होती हैं तभी रोती हैं, जब इनका पेट भरा होता है तो ये लगातार सोया करती हैं और नहीं उठती हैं। देखो थोड़ा सा ही ये मुँह बनाएंगी, रोएंगी और उसके बाद फिर से सो जाएंगी। तो यही इनका चल रहा है, हम लोग बहुत देर से परेशान हैं कि ये उठ जाएं, जग जाएं, थोड़ा सा आँखें खोल दें ताकि इनकी फ़ोटो वोटो भी खींच जाए, लेकिन ये सोने में पड़ी हैं, उठ नहीं रही हैं, जग नहीं रही हैं, आँखें नहीं खोल रही हैं। तो देखिए अभी तक ये सोए जा रही हैं और हम सब लोग इनको लिए हैं और इनको अभी काजल लगेगा। तो ये देखिए अभी तो इनका मेकअप पहले होगा, उसके बाद इनको काजल लगेगा। ये बहन हमारी हैं जो काजल बुआ को पाउडर लगा रही हैं, पाउडर लगाने के बाद इनको काजल लगेगा, टीका लगाया जाएगा पैर में, हाथ में, मत्थे पे, सब कहीं काजल का टीका लगेगा ताकि हमारी गुड़िया रानी को नज़र ना लग जाए। तो ये देखिए हमारी गुड़िया रानी, हमारी बिटिया रानी अच्छे से तैयार हो गई हैं और अपने बिस्तर पे लेट गई हैं। ये बिस्तर हमारी बहन लेकर आई थी छोटी। और अब हम लोग छठी धरने की रस्म भी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि छठी धरने का टाइम आ गया है, शाम हो गई है, सूरज डूबने वाले हैं। तो हम लोग छठी भी रख देंगे और थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे। लोगों ने छठी धरने की रस्म, काजल लगाने की रस्म और बिटिया को सजाने की रस्में तो पूरी कर ली हैं और अब हमारी भाभी खाना खाने जा रही हैं। तो देखिए इनका खाना आ चुका है, आज छठी का दिन है तो आज इनको बेबी को गोदी में लेकर के खाना खाना रहेगा। तो देखिए बिटिया को इन्होंने गोदी में ले लिया है और अब ये खाना खाएंगी। तो हमारे यहाँ इसी तरह से छठी धराई की रस्म होती है और बिटिया अपने बिस्तर पे आ चुकी हैं, भाभी ने खाना खा लिया है।
तो देखिए अब हमारी गुड़िया रानी जग रही हैं, जग गई हैं और अभी आने वाले हैं इनके चाचा जी, जो कि आएंगे और बंसी बजाएंगे। तो ये देखिए चाचा जी भी आ गए हैं और बंसी इनकी बज रही है। आप लोग इनकी बंसी सुनिए। ये चाचा जी हैं, हमारी मौसी के बेटे हैं, जो कि टाइम से आ गए हैं। सारी रस्में हो चुकी हैं। तो ये फूफा जी आए हैं, इनको आने में काफ़ी लेट हो गया है। तो जब सब कुछ हो गया है तो ये बाद में पहुंचे हैं, ये किसी काम में फंस गए थे तो आ नहीं पाए थे टाइम से, तो अब आए हैं। तो देखिए अभी बिटिया को खिला रहे हैं, खिलौना दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिए ये फिर भी सो गई हैं, इनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। इतना हम लोगों ने इनको जगाने का प्रयास किया है लेकिन ये नहीं जगती, थोड़ा सा जग जाती हैं और फिर सो जाती हैं। और ये देखिए छोटे फूफा जी भी बिटिया को बुला रहे हैं, खिला रहे हैं। दादी जी बैठी हुई हैं और इनके मामा जी भी हैं, हमारी गुड़िया रानी के मामा भी आए हुए हैं। वो लोग भी इनको जगाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो नहीं जग रहे थे। ये देखिए कपड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब हमारी बहनें लेकर के आई हैं कपड़े। तो बाबू के लिए बहुत सारे कपड़े आ गए हैं, छोटे छोटे से कपड़े हैं सारे। और ये भैया हैं हमारे बहनोई जी, जो देखिए बेड के ऊपर खड़े होकर के वीडियो शूट कर रहे हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं गुड़िया रानी के मामा जी से मिलाएंगे। उनके दो मामा हैं, हमारी भाभी के भाई हैं जो कि आए हुए हैं। वो लोग भी बिटिया की नानी नाना नहीं आए हैं, तो वो नहीं आए हैं, मामा आए हैं उनके। तो सिर्फ आप लोग मामा से मिलिए, हम नानी नाना से बाद में मिलाएंगे। ये देखिए ये बड़े मामा हैं और ये छोटे मामा हैं जो ऊपर खड़े हैं, और ये हमारी बिटिया रानी हैं खुशी। तो आपने देखा कि हमने आपको सबसे मिलवा दिया। और हमारे यहाँ छठी कैसी होती है, कैसी लगती है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।